प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद पर लेकर उन्होंने कहा समस्त सभी पार्टियां परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सब लोग झूठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और काम कुछ करते नहीं देश के लिए और जनता के लिए, कोई काम नहीं करते। अब इन्होंने एक नारा दिया है 9 साल के मिशन, क्या है? अब हम इनसे पूछना चाहते हैं 9 साल में एक ही काम बता दो जनता के लिए, एक भी काम नहीं किया है, सब झूठ बोले हैं। तो ये केवल जनता को बहकाने का काम करते हैं। शिवपाल जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जा रही है, लगातार चर्चाओं में है, क्या कहेंगे आप इस पे, क्या आपका क्या मत है? देखिए ये केवल बहकावे वाले काम और झूठ बोलने, और जनता को जब चुनाव आता है तो इस तरीके से जनता को बहकाने का काम करते हैं। 2014 से पहले जब आपकी सरकार थी, मोदी का सरकार, आपकी पार्टी को अपराधियों की पार्टी घोषित करती थी। अब पिछले साल एक साल से इस पार्टी के शासन काल में लगातार अपराध हो रहे हैं, इस पे आपको क्या कहें? देखिए इस सरकार में लाइन ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। अब अदालतों के सामने पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो जाती हैं, वकीलों के भेष में हत्याएं हो जाती हैं, पत्रकारों के भेष में हत्याएं हो जाती हैं। बताओ, पत्रकारों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वकीलों का भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, 2024 का चुनाव है, पटना में महागठबंधन भी हुआ है, देखिए हम सब लोग इकट्ठा होकर के जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करना जा रहे हैं।